गाजियाबाद में नकली नोट छापने का काम धड़ल्ले से चल रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि साधारण सी दिखने वाली इस प्रिंटिंग मशीन से महज कुछ मिनटों में 200 रुपए के नोट छपकर तैयार हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से यूपी के गाजियाबाद के कवि नगर इलाके के घर में नकली नोट छापने का काम किया जा रहा है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने जब इस गैंग का भंडाफोड़ किया तो प्रिंटर के जरिए नकली नोट छापने का काम चल रहा था। नकली नोट का ये कारोबार कॉर्पोरेट स्टाइल में होता था। कोई नोट की छपाई करता तो कोई नकली नोटों की सप्लाई दुकान में करता। बताया जा रहा है कि अब तक यहाँ 17 लाख नकली नोट छापे जा चुके हैं। उन्होंने मई 2021 में आजाद ने ये काम शुरू किया था और अब तक लगभग 15 से 17 लाख रुपए जो इसने बताए हैं कि ये इनकी प्रिंटिंग कर चुका है, जिनमें से 11 से 12 लाख रुपए मार्केट में उतर चुके हैं। जहां तक क्वालिटी की बात है तो क्वालिटी इनकी काफी रिफाइंड है, तो अगर कुछ असली नोटों के बीच में नकली नोट डाल दिए जाए तो पहचानना काफी मुश्किल है। ये गैंग प्रिंटर के जरिए 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए के नकली नोट छापने का काम करता था और असली 1000 रुपए के बदले 3 गुना जाली पैसा वेंडर्स को दिया जाता था। पुलिस ने गैंग के सरगना आजाद सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग 8 महीने सक्रिय था और इनके कब्जे से 6,59,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। गैंग के मास्टरमाइंड आजाद ने बताया कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के जरिए नकली नोट बनाना सीखा और अपने गैंग में दूसरे लोगों को भी शामिल किया। फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इस गैंग के तार विदेशी संगठन से तो नहीं जुड़े हैं।